इतिहास के पन्नों से आज फिर हम आपके लिए एक नया इतिहास निकाल करके लाए हैं। तो आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में आज की तारीख को आखिर क्या घटित हुआ था। 11 सितंबर 1895 में विनोबा भावे का जन्म हुआ था, यानी आज की तारीख को हमारे देश में विनोबा भावे का जन्म हुआ था। विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। इनके जन्म का नाम विनायक नरहरी भावे था। महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उन्हें अपना राजनीतिक और आध्यात्मिक गुरु मानते थे। इन्होंने सारा जीवन गरीबों और दलितों के सेवा में समर्पित कर दिया। असहयोग आंदोलन से जुड़कर उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का आह्वान किया। 1932 में उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश के आरोप में 6 महीने के लिए धूलिया जेल भेज दिया गया। गांधी जी ने उन्हें पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में संबोधित किया। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विनोबा भावे ने असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने का अथक प्रयास किया। उन्होंने 1950 के दशक के दौरान चलाए गए सर्वोदय आंदोलन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया, जिनमें भूदान आंदोलन प्रमुख है। 15 नवंबर 1982 को इस महान समाज सुधारक का निधन हो गया। वह हिंदी के साथ कई क्षेत्रीय भाषाओं जैसे तेलुगु, गुजराती, कन्नड़ आदि के पारंगत थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी जैसे स्वराज शास्त्र, गीता प्रवचन, तीसरी शक्ति आदि। विनोबा 1858 में रेवन मैक्से से पुरस्कार पाने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति बने। 1983 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विनोबा भावे एक अहिंसावादी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और आध्यात्मिक शिक्षक थे। अगर इन बातों का निष्कर्ष निकालें तो आजादी के दीवानों में एक और दीवाने थे विनोबा भावे, लेकिन आजादी के बाद इनका सबसे बड़ा कार्य जिसके वजह से ये पूरे भारतवर्ष में जाने गए वो था भूदान आंदोलन। इन्होंने गांव गांव, शहर शहर घूम घूम कर लोगों से जमीनें मांगी और एक बहुत बड़ा लैंड इकट्ठा किया लोगों के लिए। तो ये एक महानायक थे जिन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए अपना पूरा सर्वस्व जीवन ही बलिदान कर दिया। छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपना घर छोड़कर गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहने लगे। तो इतिहास के पन्नों से आज के लिए विनोबा रहे। मिलते हैं कल एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।